एक्चुअल में कोई बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, अच्छा कर रहा है, और एक स्टूडेंट है जो इंस्टाग्राम पे या फिर दोस्तों से बात करने में या यूट्यूब पे इंटरटेनिंग वीडियो देखने में या दोस्तों से फोन पे बात करने में या गेम खेलने में अपना टाइम खराब कर रहा है। तो है तो बच्चा है, तो इंसान का बच्चा है, तो बहुत अच्छा सुंदर बच्चा। तो जब वो टाइम खराब कर लेता है तो उसको एहसास होता है, अरे यार गलती हो गई मेरे से, बहुत गिल्ट में चला जाता है वो, और गिल्ट में जाने के बाद वो डिप्रेस हो जाता है, कहता है मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही सर? मैं बहुत चाहता हूं, मैं बहुत चाहता हूं कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरी दिल इच्छा है मैं डॉक्टर बनूं, मैं पढ़ना भी चाहता हूं, लेकिन पता नहीं कब और कैसे मेरा समय इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में, यूट्यूब पे इंटरटेनिंग वीडियो देखने में, कॉमेडी देखने में, गेम खेलने में चला जाता है, मैं पढ़ नहीं पाता। और दूसरी तरफ एक बच्चा पढ़ रहा है, बढ़िया जोरदार पढ़ रहा है, 4 घंटे पढ़ा, 5वें घंटे में उसको कॉन्फिडेंस आया, फिर 2 घंटे बाद पढ़ने लग गया, फिर पढ़ा, एक दिन उसने जोरदार पढ़ा, अगले दिन फिर से जोरदार पढ़ा, तो उसको डे बाई डे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जा रहा है उसके अंदर। लेकिन एक बच्चा जो बहुत कुछ चाहता है करना, वो है इंसान का बच्चा, लेकिन समय खराब करने के बाद फील करता है बहुत ज्यादा गिल्ट। तो इसमें उस बच्चे की गलती ही नहीं है, जो पढ़ रहा है उसकी तो गलती क्या होगी सर? नहीं, जो समय खराब कर रहा है उसकी भी गलती नहीं है। बात होती है सिर्फ इनर्सिया की, तुम किस इनर्सिया में चले गए हो, तुम उस काम की इनर्सिया में हो। हाँ मैं मानता हूं कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, पर पढ़ना चाहते हो, कुछ कर गुजरना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, लेकिन तुम अपनी इनर्सिया से बहुत प्यार कर रहे हो, तुम उस इनर्सिया से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि फिजिक्स में एक इनर्सिया वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कि जिस भी स्टेट में आप होते हैं, आपको उस स्टेट में रहना पसंद होता है, आपको महसूस भी ना हो आप उसी स्टेट में रह जाते हैं। तो ये इनर्सिया ब्रेक कैसे होगा, ये आपको खुद करना पड़ेगा। सर खुद तो नहीं होता, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। हाँ तो घर वालों को जाके बता दे तू क्या कर रहा है, ईमानदारी से सब कुछ, इतना कुटाई पड़ेगा कि एक्सटर्नल फोर्स इनर्सिया ब्रेक हो जाएगा। भाई साहब तुम वो एक्स वाई जेड कुछ रीजन ढूंढो, जिस रीजन से तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, तुम पढ़ाई करना चाहते हो, अब वो समय नहीं है जब आप समय खराब करने के बाद थोड़ा सा गिल्ट महसूस करेंगे, पढ़ाई करने लग जाएंगे और आपको सब कुछ लगेगा कि ठीक हो गया ना। अब वो समय है कि जब आप जब समय खराब करेंगे उसके बाद सीधा आपका जिंदगी खराब हो जाएगा, सीधा जिंदगी खराब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो आप उस इनर्सिया से बाहर निकले, वही मैं अपनी इनर्सिया में होता हूं, पढ़ाने की इनर्सिया में, पढ़ाने की इनर्सिया में होता हूं, ये मैं भी जानता हूं, ये मेरा बोर्ड भी जानता है, कुछ इस कदर वाकिफ है ये बोर्ड मेरे जज्बातों से, कुछ इस कदर वाकिफ है ये बोर्ड मेरे जज्बातों से, मैं क्लास खत्म भी करना चाहूं तो एक नया सवाल लिख जा। तुम किस इनर्सिया में, उसको फाइंड आउट करो, और वो फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि शाम को थोड़ी देर बैठो और देखो कि तुमने अपने 24 घंटे लास्ट के 24 आवर कैसे बिताए। उनको लगता है कि ये वाला काम मैंने गलत किया तो रो मत, जो हो गया सो हो गया, तो कोशिश करो उसको कम करने की। खत्म भी नहीं होता इनर्सिया, ये बात मैं आपको बता दूं, जब एथलीट्स रनिंग कर रहा होता है तो रनिंग कंप्लीट करके अचानक से रुक के वो सेलिब्रेट नहीं करता, वो दौड़ता रहता है। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, जैसे तुम रेस्ट में बैठे हो बस में, अचानक से बस चली तो पीछे गिर जाते हो। तो हम अपनी इनर्सिया को सडनली ब्रेक नहीं कर सकते, और सडनली ब्रेक करना बहुत पेनफुल होगा, ये भी याद रखिए। अब किसी भी एक्स वाई जेड इनर्सिया में है तो उसको सडनली ब्रेक करना भी बहुत पेनफुल होगा। तो आपको एक छोटा सा काम करना है कि अपनी इनर्सिया को आइडेंटिफाई करिए, उसको धीरे धीरे कम करिए, ये भी ध्यान रखिए, धीरे धीरे कम करिए, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अचानक से कुछ करने की कोशिश करेंगे तो जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे, होगा जीवन में कुछ भी नहीं। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं।